पहली बार इंसान चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। इस घटना को करीब 5.5 दशक हो चुके हैं। इस बीच लगा कि अब चांद के बारे में जानने को कुछ नहीं बचा है, पर किसने सोचा था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो अभियानों की श्रृंखला खत्म होने के बाद इंसान दोबारा चंद्रमा पर जाने की पहल करेगा। खास तौर से चांद की बनावट और उसके वातावरण से जुड़े रहस्यों की थाह लेने के लिए ऐसी कोशिशें फिर से की जाएंगी। लेकिन अब भारत, चीन के अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी चांद पर फिर से अपने मिशन भेज रही है। कई चरणों वाले नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस की शुरुआत साल 2022 में हो चुकी है। भारत के तीसरे मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण भी इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर यान की सुरक्षित लैंडिंग और रोवर के जरिए उसकी सतह पर विचरण करने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। ये अभियान 2018 में चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद इसरो की नई पहल है, जो स्पेस से जुड़ी भारत की महत्वाकांक्षाओं को नए शीर्ष पर ले जा सकती है। जिस तरह से दुनिया में चंद्रमा को लेकर नई दिलचस्पी जगी है, उससे लगता है कि पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा की छानबीन को लेकर दुनिया में एक नई होड़ पैदा हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि चांद में आखिर ऐसा क्या है जो इसे हर कोई पा लेना चाहता है? कहीं कोई योजना चांद पर कब्जा करने की तो नहीं है? पृथ्वी पर देखें तो कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें विश्व विरासत माना जाता है। इस कायनात के ऐसे कुछ क्षेत्रों को विश्व की साझा विरासत कहा जाता है, जो कि किसी एक देश के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। ऐसे इलाकों का मैनेजमेंट अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और आउटर स्पेस यानी बाह्य अंतरिक्ष। हालांकि इनमें से कुछ इलाकों पर कुछ देश अपना दावा करते हैं। मिसाल के तौर पर अंटार्कटिका को लेकर ऐसे दावे होते हैं। अक्सर बताया जाता है कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चिली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन अंटार्कटिका पर क्षेत्रीय दावे करते हैं, लेकिन इन दावों को अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने कभी कोई मान्यता नहीं दी है। अमेरिका इस द्वीप यानी अंटार्कटिका पर अधिकार का दावा तो रखता है, लेकिन उसने आज तक ऐसा नहीं किया है। वैसे भी साल 1961 से लागू हुई अंटार्कटिक संधि ऐसे दावों का विरोध करती है। इस ट्रीटी पर 2016 तक 53 देश हस्ताक्षर कर चुके थे। इस ट्रीटी के मुताबिक अंटार्कटिका एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र है, यानी भारत जैसे जो देश अंटार्कटिका में रिसर्च की योजनाएं चलाते हैं, दुनिया के बाकी देश भी वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अंटार्कटिका तो फिर भी इसी धरती का हिस्सा है, पर क्या कोई देश चंद्रमा को लेकर ऐसा दावा कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देश चंद्रमा पर कब्जे की फिराक में हो? कायदे से तो इस मामले में भी अमेरिका आगे हो सकता है, वह चंद्रमा पर अपना दावा ठोक सकता है। साल 1969 में अपोलो 11 के जरिए इंसानों को चंद्रमा पर उतारने और वहां अपना झंडा फहराने वाले अमेरिका ने 1972 तक जारी रहे अपने 6 मिशनों से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पहुंचाया है। फिर भी चंद्रमा को वह अपने अधिकार वाला क्षेत्र घोषित नहीं कर सका है। लेकिन अब जिस तरह से चीन, जापान, भारत समेत कुछ अन्य देश चंद्रमा की कक्षा में अपने यान भेजने की योजनाएं चला रहे हैं, चंद्रमा को लेकर उनके कई भावी बहुउद्देश्यीय मिशन भी हैं, ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका को ऐसा करना जरूरी लगे। वह ऐसा महसूस कर सकता है कि चंद्रमा पर वह दावा ठोकने के मामले में कहीं दूसरों से पिछड़ ना जाए। यूं क्या पता अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का मौजूदा आर्टेमिस मिशन ऐसी ही किसी योजना का हिस्सा हो। इस मिशन में वह 2025 तक इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर उतारने जा रहा है। यही नहीं, भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भी मून मिशनों की जैसी तेजी दिखा रहा है, उससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में यह चर्चा छिड़ गई है कि आखिर चीन का इरादा क्या है। दावा किया जा रहा है कि चीन धरती के कई हिस्सों को हड़पने के बाद अब चांद पर भी जमीन कब्जाने की प्लानिंग में जुटा है। इसके लिए चीन बीते कुछ वर्षों से अपने पड़ोसी देश रूस की मदद से एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। स्पेस स्टेशन बनने के बाद चीनी अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वहां रहने लग सकेंगे। इस स्पेस स्टेशन की मदद से वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोबोटिक बेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में चीन अगर चांद पर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उसके लिए मानव युक्त मिशन लॉन्च करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चंद्रमा पर बेस स्टेशन बनने के कुछ ही महीनों के अंदर वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर आसानी से उतार सकता है। असल में चीन की योजना चांद पर कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की है। इन योजनाओं और प्रयोगों से वह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आगे रहने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने और खनिजों के उत्खनन के साथ साथ चीन
चंद्रमा के टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहे और पानी का इस्तेमाल चांद पर ही रॉकेट बनाने में करना चाहता है। अंतरिक्ष में रॉकेट निर्माण की यह सुविधा साल 2050 तक अंतरिक्ष में लंबी दूरियां तय करने की उसकी योजना के लिए बेहद जरूरी है। चीन एस्टेरॉयड्स यानी क्षुद्र ग्रहों को भी माइनिंग करना चाहता है। साथ ही उसकी योजना जियो स्टेटिक ऑर्बिट में या कहें कि स्पेस में ही किसी जगह पर सोलर पावर स्टेशन बनाने की भी है। यही वजह है कि तमाम क्षेत्रों में चीन से मुकाबला कर रहे अमेरिका को चांद और स्पेस में चीनी योजनाएं आशंकित कर रही हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों से अमेरिकी लीडरशिप की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं कि हम इन दिनों एक स्पेस रेस में जी रहे हैं, जैसा कि साल 1960 के दशक में हुआ था, पर दांव उस समय से ज्यादा लगा है। चीन ने 2019 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चंद्रमा के सुदूरवर्ती इलाके यानी दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारा है और इस पर कब्जे की योजना का खुलासा किया है। चंद्रमा के खनिजों की तेजी से माइनिंग अमेरिका के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी साल 2028 तक चंद्रमा पर एक बेस स्टेशन बनाना चाहती है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन ने साल 2019 में कहा था, चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं कि हम इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाना चाहते हैं। चंद्रमा पर बस्ती बसाने की योजना अमेरिका और चीन समेत कुछ और मुल्कों की भी है। साल 2022 से यूक्रेन के साथ जंग में उलझने से पहले रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने भी ऐसी ही घोषणा की थी। उसने कहा था 2040 तक वह भी चंद्रमा पर एक बस्ती बसाएगी। इसी योजना के तहत रूसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख अलेक्जेंडर सर्गेयेव ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग की वजह से इस योजना पर अमल में देरी हो सकती है, लेकिन उधर जापान और दक्षिण कोरिया चंद्रमा के ध्रुवों पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना का ऐलान कर चुके हैं। इन देशों की योजना भी चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की है। इसी तरह यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA भी चंद्रमा पर एक मून विलेज बनाना चाहती है। वैसे इन सभी योजनाओं के मुकाबले चीन का चंद्र अभियान सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी लग रहा है। फिलहाल वही इकलौता ऐसा देश है जिसने $3 करोड़ के निवेश के साथ चांद पर बस्ती बसाने और उसका इस्तेमाल अंतरिक्ष उत्खनन में करने की योजना पर तेजी से काम किया है। पर क्या इन योजनाओं के बल पर चीन सच में चंद्रमा को कब्जा लेगा? इस बारे में चीनी इरादों को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अक्टूबर 1957 में तत्कालीन सोवियत संघ यानी मौजूदा रूस ने जब दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, तो अंतरिक्ष के दोहन और चांद पर कब्जे की आशंकाओं को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बाह्य अंतरिक्ष संधि का एक मसौदा तैयार किया था। स्पुतनिक 1 के लॉन्च के 10 साल बाद 1967 में लागू की गई ये संधि इसके सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। अंतरिक्ष से जुड़े पहले कानूनी दस्तावेज के रूप में यह संधि गैर जरूरी दोहन और स्पेस में जनसंहार के हथियारों की तैनाती पर पाबंदी लगाती है। भारत शुरू से ही इस संधि का हिस्सा है। इस संधि की शर्तों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भले ही अमेरिका चांद पर झंडा फहरा चुका है और चीन का यान इसके दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है, पर ऐसा करने से चांद इनका नहीं हो जाता है। लेकिन इसमें एक पेच है। असल में अंतरिक्ष कानूनों में सबसे असरदार होने के बावजूद इसे लागू करने में मुश्किलें आ सकती है। इन मुश्किलों के बारे में चांद को लेकर चीनी मंसूबों के मद्देनजर एक आशंका मिसिसिपी स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी की अंतरिक्ष कानून विशेषज्ञ मिशेल हेननॉन ने व्यक्त की है। हेननॉन का कहना है कि यह संधि कुछ दिशा निर्देशों और सिद्धांतों का पुलिंदा भर है, यानी इस संधि में अंतरिक्ष में जमीन पर कब्जा करने से संबंधित नियमों को बताया भर गया है। जैसे कि इसके अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से या खगोलीय पिंड पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन हेननॉन का मत है कि जब चांद पर बेस बनाने की बात आती है तो ये चीजें धुंधली हो जाती है। हेननॉन के मुताबिक किसी जगह बेस बनाना एक तरह से उस इलाके पर कब्जा करना ही है, यानी चीन या उसके जैसे विस्तारवादी इरादों वाला कोई देश चाहे तो इन आक्रामक तरीकों से चंद्रमा पर कब्जा कर सकता है। याद रखिए कि चीन ने भारत के दौलत ओल्डी बेग, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे इलाकों में क्या किया है। वह पहले वहाँ कुछ इलाकों पर चुपके चुपके पक्के मकान बना देता है, फिर उनमें रहने के लिए अपने कुछ नागरिकों को जबरन भेज देता है। बाद में दावा करता है कि चूंकि वहाँ उसके नागरिक कई सालों से रह रहे हैं, ऐसे में वह इलाका चीन का ही है। ऐसी ही नीति वह चंद्रमा पर अप्लाई करने की कोशिश में है। एक बार उसका बेस स्टेशन वहाँ बन गया और उसने वहाँ रॉकेटों के निर्माण की कोई फैसिलिटी स्थापित कर ली और कुछ इंसानों को वहाँ उतार दिया, तो बाद में चीन दावा करेगा कि
कि चांद तो असल में उसका ही है, दुनिया तब क्या कर लेगी। यही वजह है कि दुनिया को ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं चीन जल्द ही मून का मालिक ना बन बैठे। ऐसे में भारत के चंद्रयान, नासा के आर्टिमिस, जापान और यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसियों के मून मिशन जारी रहने जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर साबित किया जा सके कि चांद चीनी नहीं है बल्कि वे एक साझा विरासत है जिसका पूरी दुनिया शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जहां तक भारत के मून मिशन की बात है तो ये सिलसिला 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के सफल लॉन्च के साथ शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़े गए चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह का अध्ययन किया था। मिनरोलॉजी और फोटोजियोलॉजिक मैपिंग टेक्निक से चंद्रमा के कई ऐसे पहलुओं को उजागर किया था जो अब तक अनजाने थे। ऐसी ही उम्मीदें साल 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से थी, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए बनाए गए स्पेसक्राफ्ट यानी चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई जिससे मिशन नाकाम हो गया। हालांकि ये मिशन भी इसरो को वो जानकारियां दे गया था जो जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में काम आई। चंद्रयान 2 से मिले इनपुट्स की उपयोगिता न सिर्फ चंद्रयान 3 के लिए बल्कि 2024 में जापान की साझेदारी में प्रस्तावित लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए भी जरूरी मानी गई। हालांकि आज हम चंद्रमा पर जिस सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं उसकी टेक्निक नई नहीं है। सोवियत संघ के लूना 2 की 1959 में चंद्रमा पर पहले कामयाब लैंडिंग के 7 साल बाद 1966 में सोवियत संघ का ही लूना 9 यह करिश्मा दशकों पहले कर दिखा चुका है। एक समय ऐसा लगता था कि पुराना सोवियत संघ ही चंद्रमा पर इंसानों की लैंडिंग कराना वाला देश बनेगा, लेकिन इस काम में अमेरिका बाजी मार ले गया। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग और बज एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतारने के बाद नासा ने 1972 तक ऐसे कुल 6 मिशन चलाए। इन मिशनों में कुल मिलाकर 12 इंसानों को चंद्रमा की जमीन पर उतारा था। बेशक चंद्रमा पर ह्यूमन लैंडिंग के मामले में सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ गया था, लेकिन एक वक्त तक मून की रेस में वही आगे लग रहा था। इसी अवधि में उसने खुद को मानव रहित मिशनों तक सीमित रखा। सोवियत संघ ने ऐसे मून मिशन चलाए जिनमें रोवर्स तैनात किए गए थे। ऐसे 3 रोवर मिशन लॉन्च किए गए जिनमें से एक नाकाम हो गया। सोवियत संघ के 2 रोवर मिशन द्विगोलित कहलाने वाली चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लेकर लौटे थे। निश्चय ही सोवियत संघ और अमेरिका के मिशन बाकी दुनिया के लिए भी एक नजीर बन गए। आज हालात ये हैं कि रूस और अमेरिका के अलावा जापान, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चीन, भारत, लग्जमबर्ग, इजराइल, इटली, साउथ कोरिया और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात भी चंद्रमा की स्टडी के लिए अलग अलग तरह के मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इनमें से 5 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंचे हैं, जबकि चीन का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर भी उतर चुका है। इस लिस्ट में शामिल देशों में इसराइल को छोड़कर हर एक का कम से कम एक मून मिशन कामयाब रहा है। फ्यूचर मिशनों पर नजर दौड़ाएं तो इसकी एक लंबी कतार है। इनमें से 3 दर्जन रोबोटिक मिशन हैं या स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के खालिस टूरिज्म वाले मिशन हैं। 8 मिशन मानव सहित चंद्र यात्राओं वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया काफी दिलचस्पी से देख रही है, क्योंकि इनसे चंद्रमा पर इंसानी कदमों की दोबारा छाप पड़ेगी। धन्यवाद।